हरियाणा सरकार ने जाटों समेत 6 अन्य जातियों को पिछड़े वर्ग के तहत दिए गए आरक्षण को लेकर जारी की गई क्रीमिलेयर की नोटिफिकेशन को बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट में सबमिट करवा दिया है। कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को रिकॉर्ड पर लेकर जाटों के आरक्षण पर रोक बरकरार रखते हुए सुनवाई शनिवार यानी 27 अगस्त के लिए तय की है। हरियाणा सरकार ने क्रीमिलेयर नोटिफिकेशन में बताया है कि नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार ने पिछड़ी वर्ग में शामिल जाटों समेत 6 जातियों के उन लोगों को साधन संपन्न क्रीमिलेयर श्रेणी में रखा है जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक है। ऐसे लोगों को राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग को दिए 10% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले 3 लाख रुपए तक की सकल वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के बच्चे सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिल में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। गवर्नमेंट ने दे दिया आज क्रीमिलेयर की नोटिफिकेशन डेट, आज की डेट इसलिए दी क्योंकि कोर्ट के पास टाइम नहीं था, सुबह टाइम कोर्ट का ओवर हो गया था। नेक्स्ट शनिवार की डेट लगी है, शनिवार को हमारी प्राइवेट रेस्पोंडेंट की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट है कि NCBC की रिपोर्ट जो है इनएडमिसिबल है, क्योंकि NCBC की नेशनल कमीशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी एज पर इंदिरा सानी जजमेंट दैट शुड हैव बीन ऑफ द एक्सपर्ट बॉडी। हरियाणा सरकार ने 17 अगस्त को अधिनियम की धारा 2 क्लोज डी के तहत नोटिफिकेशन क्रीमिलेयर का जारी कर दिया है। न्यायालय के समक्ष उस नोटिफिकेशन की प्रतिलिपि दे दी गई है, अब सुनवाई 27 तारीख को रखी गई है। कैमरा पर्सन बलविंदर आर्या के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट नेशनल बस के लिए।